हेलो स्टूडेंट्स आज का जो टॉपिक है हमारा वो है पोलरोग्राफी इसका एक हम शॉर्ट क्विक रिव्यू ले रहे हैं फ्रेंड्स सबसे पहले बताएंगे पोलरोग्राफी क्या होती है ये एक इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक है जिसके ज़रिए हम क्वालिटेटिव एनालिसिस भी कर सकते हैं यानी कि हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनालाइट कर सकते हैं दूसरा हम क्वान्टिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं यानी कि एनालाइट की हम कंसनट्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं और वो एनालाइट्स जो कि इलेक्ट्रो एनालिटिकल नेचर के हैं और उसको हम इस्टेब्लिश करते हैं इसके अंदर दूसरा ये कि हम इसके अंदर करंट को मेज़र करते हैं जैसे कि हम ट्रैटेशन में हम वॉल्यूम को मेज़र करते हैं यहाँ पर करंट को ऑब्जर्व करते हैं जो चेंजेस आ रहे होते हैं करंट में वो हम ऑब्ज़र्व करते हैं और हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं अपनी तरफ से लाइट के सोल्यूशन पे नेक्स्ट जैसे अगर हम डायग्राम की बात करें एक सिंपल मैनुअल पलरोग्राफ की तो इसके अंदर हमने यहाँ पर ये हमारा जो बीकर शॉट दिखा रखा है इसके अंदर हमारा एनालाइट सॉल्यूशन होता है और ये हमने टॉप पार्ट पे एक मरकरी का रिजर्वर दिखा रखा है इस मरकरी रिज़र्वर के बॉटम पार्ट से एक रबर ट्यूब कनेक्टेड है जो कि मरकरी को यहाँ पर लेके आती है इस बीकर के अंदर तो इस मरकरी रिज़र्वर को हम बोलते हैं ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड बेसिकली ये जो गिर रही है इससे बूंदें गिरती हैं हम इसको बोलते हैं ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड और इसका जो सोर्स है वो मरकरी रिज़र्वर है इसको इस हाइट पर एडजस्ट किया जाता है कि ये एक मिनट में नियर अबाउट ट्वेंटी ड्रॉप्स ड्रॉप करें इसके अंदर और ये कैथोड का, का काम करती है और ये पोलराइज स्टेट में रहती है सेकेंड जो हमारा है वो है एनोड जो कि हमने लोअर पार्ट पे लिया है बॉटम पार्ट पे लिया है इसी कंटेनर के जिसमें हमारा दूसरा इलेक्ट्रो ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड आ रहा है और यहीं पर ही हमारा ये एनोड है ये जो एनोड होता है ये पूल ऑफ मरकरी होता है ये नॉन पोलराइज स्टेट में रहता है और इसको हम एनोड बोलते हैं ये हमारा जो इलेक्ट्रोड सिस्टम है और जो एनालाइट सोल्यूशन है ये हमारा एक सर्किट से कनेक्टेड है ये डिजिटल वोल्टामीटर और करंट रिकॉर्डर और पावर सप्लाई से कनेक्टेड है तो डिजिटल वोल्टा मीटर हम देख रहे हैं इसमें और करंट रिकॉर्डर है जो कि हम करंट ऑब्ज़र्व करेंगे उसके बारे में हमें ये बताएगा तो ये एक सिंपल सा डायग्राम है जो कि हमारा पोलरोग्राफ के बारे में था इसको हम पोलरोग्राफ बोलते हैं क्योंकि ये सारा कंप्लीट सेटअप है फ्रेंड्स ये एक रैपिड टेक्निक है एक सेंसिटिव टेक्निक है रैपिड तो मीन्स इन क्विक रिजल्ट आते हैं इसके सेंसिटिव टेक्निक है क्योंकि ये बहुत कम कंसेंट्रेशन पे भी आउटपुट देती है अगर मान लो आपका एनालाइट स्मॉल अमाउंट ऑफ कंसनट्रेशन में अवेलेबल है छोटी थोड़ी सी मात्रा में तो भी ये एक सेंसिटिव टेक्निक है ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों तरह के सैंपल्स जो होते हैं एनालाइट के उनका एनालिसिस हमें करके देती है नेक्स्ट इसके अंदर हम क्या करते हैं इसका प्रिंसिपल कैसे काम करता है हम इसके अंदर हम एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करते हैं जो इलेक्ट्रोड्स के बीच में और वहाँ ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं एनालाइट सॉल्यूशन के कंटेनर में ही अवेलेबल होती हैं अब इसमें दो इलेक्ट्रोड्स ली गई हैं एक है हमारी एनोड जैसा कि मैंने आपको बताया दैट इज पूल ऑफ मर्करी इलेक्ट्रोड ये नॉन पोलराइजेबल है और दूसरी ये कैथोड वो है ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड जो कि पोलराइजेबल है जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो क्या होता है रिडक्शन स्टार्ट हो जाता है जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट के एनालाइट के जो आयंस हैं वो रिड्यूस होना शुरू हो जाते हैं और करंट पैदा होना शुरू हो जाता है टिल ऑल द एनालाइट गेट रिड्यूस जब तक सारा का सारा एनालाइट रिड्यूस नहीं हो जाता है तब तक ये करंट जनरेट होता रहता है और हम रीडिंग्स नोट करते रहते हैं और वो पैरल जो हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं उसकी रीडिंग पैरल नोट करते हैं फिर एक कर्व प्लॉट करते हैं अप्लाइड वोल्टेज के बीच में और जनरेटिंग करंट के बीच में इस करंट की जो इस कर्व की जो शेप होती है वो एस शेप होती है ये देखिए हमने दिखा रखी है यहां पर दिस कर्व हेल्प इन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस इस कर्व की मदद से हम क्वालिटेटिव एनालिसिस भी कर सकते हैं और क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं इस कर्व के अंदर दो तरह की इंफॉर्मेशन दी गई है एक है डिफ्यूजन करंट जिसको हम कहते हैं आईडी जो आई होता है वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में मदद करता है यानी कि कंसनट्रेशन ऑफ जो एनालाइट है वो आई के जरिए हमें पता चलता है डिफ्यूजन करंट दूसरा होता है हाफ वेव पोटेंशियल वो फोर क्वालिटेटिव एनालिसिस जो कि एक पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक्स होती है खास तौर के कोई पर्टिकुलर मेटल आयन है उसकी खास करेक्टरिस्टिक है उसके आधार पे हाफ पोटेंशियल इसमें रिफ्लेक्ट होता है तो ये हमारा उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए या क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए या कोई पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप है उसके लिए ये हमें बतलाता है इस कर्व को हम पोलेरोग्राम कहते हैं तो फ्रेंड ये इसका एक प्रिंसिपल था अब ये इस ग्राफ के बारे में शॉर्ट में हम डिस्कस कर लेते हैं ये हमने देखिए वाई एक्सिस पे हमने करंट मेंशन किया है जो माइक्रो एम्पियर में है एम्पियर करंट की यूनिट होती है इधर हमने अप्लाइड वोल्टेज मेंशन किया है यहाँ पर तो इन दोनों के बीच में एक कर्व प्लॉट आ रहा है जो कि एस शेप्ड है इसमें हमने तीन तरह के करंट शो कर रखे हैं एक हमने रेजिड्यूअल करंट शो कर रखा है ये हमने डिफ्यूज़न करंट शो कर रखा है ये हमने लिमिटिंग करंट शो कर रखा है और ये हाफ वेव पोटेंशियल शो कर रखा है इसमें जैसा कि हमने बॉटम पार्ट में लिखा हुआ है कि डिफ्यूजन करंट हमारा कंसंट्रेशन बताता है यानी कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए मदद करता है और नेक्स्ट जो है वो हमारा हाफ वेव पोटेंशियल हमने मेंशन कर रखा है वो क्वालिटेटिव एनालिसिस में हमारी मदद करता है तो अब इसमें एक इल्कोविक इक्वेशन हम यूज करते हैं इल्कोविक इक्वेशन क्या है इट इज़ अ रिलेशन इन पोलोग्राफी रिलेटिंग द डिफ्यूजन करंट एंड द कंसनट्रेशन ऑफ डीपोलराइजर पोलराइजर विच इज़ द सब्सटेंस रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइज्ड एट द ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड ये ये कह रहे हैं कि ये एक रिलेशनशिप है पोलरोग्राफी के अंदर जो कि रिलेट करती है जो डिफ्यूजन करंट है और जो कंसंट्रेशन ऑफ डी है यानी कि जो हमारा एनालाइट है जो कि रिड्यूस हो रहा है या ऑक्सीडाइज हो रहा है ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड के ऊपर उसके बीच का रिलेशन रिफ्लेक्ट करती है तो इस इस इक्वेशन को ऐसे लिखते हैं आई डी इज इक्वल टू स्मॉल के एन डी डी की पावर वन इज टू वन बाय थ्री एम आर की पावर टू बाय थ्री टी वन बाय सिक्स इंटू सी तो डी जो है इसमें वो डिफ्यूजन कॉफिशेंट है डी पोलराइजर का इन द मीडियम इसकी नेक्स्ट जो है वो है एन एन इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज इन द इलेक्ट्रॉन रिएक्शन एम इज द मास फ्लो रेट ऑफ मरकरी थ्रू द कैपेलरी और इसमें ये मिलीग्राम पर सेकेंड है जैसे हम मैंने आपको बताया था कि ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड से आपकी मरकरी की बूंदी गिरती हैं इट इज़ दैट ओनली और इसमें टी इज़ द ड्रॉप लाइफ टाइम इन सेकेंड्स और सी जो है वो डी पोलराइजर कंसनट्रेशन है इन मूल्स पर मिली और के जो है वो कांस्टेंट है जो कि पाई को इंक्लूड कर रहा है और डेंसिटी की मरकरी को इन के इज़ द विद द फेराडे कांस्टेंट F has been evaluated at सेवन हंड्रेड एट फॉर मैक्सीमल करंट एंड सिक्स हंड्रेड सेवन फॉर एवरेज करंट तो ये हमारा एल्कोविक इक्वेशन है जो फ्रेंड्स आपको याद रखनी है जो कि एल्कोविक ने दी थी अब अगर हम इसके अंदर नेक्स्ट मूव करें तो इसमें ये जो करंट मेंशन कर रखे हैं तो रेजिडुअल करंट पहला है रेजिडुअल करंट जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं मान लो हम अपने एनालाइट की एनालिसिस करना शुरू कर रहे हैं हमने कंटेनर में इलेक्ट्रोड सेट कर दिए हैं सर्किट सेट कर दिए हैं और हम अब वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो क्या होता है शुरुआत में क्या होता है आप जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके जो एनालाइट के जो मेटल आयंस हैं उनका रिडक्शन करवाए उनको बेसिकली uh, वो रिड्यूस करवाए ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड पर ले जा तो उस वक्त जो आप वोल्टेज पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं अगर वो उतनी नहीं है कि उनके रिडक्शन पोटेंशियल को टच कर रही है जो कि एनालाइट के मेटल आयंस हैं इवन देन अगर कुछ करंट जनरेट हो रहा है तो उसको हम कहते हैं रेजिड्यूअल करंट बेसिकली जो कि इम्प्योरिटीज़ की, uh, की वजह से भी हो सकता है तो उसको हम रेजिड्यूल करंट कहते हैं नेक्स्ट जो है हमारा इसमें हमने जो मेंशन कर रखा है देखिए ये जो ग्राफ रेज करंट का ये ना के बराबर ही है स्टेट ही चल रहा है आप वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं लेकिन करंट में कोई उछाल नहीं है यानी कि ना के बराबर है लगभग सीधा चल रहा है सेकेंड जो है वो है हमारा डिफ्यूज़न करंट डिफ्यूज़न करंट बेसिकली क्या होता है जो हमारे एनालाइट के जो मेटल आयंस हैं वो रिड्यूस होते हैं इस प्रोसेस के दौरान ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड पर जाके जब ये कंप्लीटली रिड्यूस हो जाते हैं यानी कि मान लो एक एनालाइट के हंड्रेड मेटल आयंस हैं वो हंड्रेड के हंड्रेड रिड्यूस हो गए हैं तो उससे जो करंट जनरेट हो रहा है हम उसको कहते हैं डिफ्यूजन करंट यानी ये मैक्सिमम जितने जितनी कंसंट्रेशन होगी उतना ही ज़्यादा डिफ्यूज़न करंट होगा हमारा यानी कि डिफ्यूजन करंट सीधे सीधे कंसेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है कि मेटल लाइन्स कितने हैं तो डिफ्यूजन करंट उसको कहते हैं जब मैक्सिमम नंबर ऑफ हमारे जो एनलाइट uh, के मेटल लाइंस हैं ज्यादातर कंप्लीटली रिड्यूस हो गए हैं ड्रॉपिंग मार्केट इलेक्ट्रोड पर जाके उसको हम कहते हैं डिफ्यूजन करंट और नेक्स्ट है हमारा हमारा इसके अंदर हमने दिखाया है लिमिटिंग करंट अब ये लिमिट का मतलब क्या होता है लिमिट का मतलब होता है एक हद एक स्तर तक रुक जाना यानी कि जब हमारा करंट पैदा होना रुक जाए और इंक्रीज ना हो उसमें यानी कि जब हमारे सारे के सारे मेटल आयंस जो हैं इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर जो एनालाइट का है वो रिड्यूस हो गए हैं तब तो बिल्कुल पूरी तरह से रिड्यूस हो चुके हैं और अब वो फर्दर रिड्यूस नहीं होने वाले हैं मतलब और कोई अब कोई मेटल आयन बचा नहीं है तो हम उसको कहते हैं लिमिटिंग करंट नेक्स्ट इसमें दिखा रखा है हाफ वेव पोटेंशियल हाफ वेव पोटेंशियल वो स्टेज है वो पोटेंशियल है जब आपके हाफ ऑफ द मेटल आयन जो कि एनालाइट के हैं वो सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है जो कि कंटेनर में अवेलेबल है वो फिफ्टी परसेंट यानी कि हाफ ऑफ द मेटल एन आर रिड्यूस्ड उस वक्त तक जितना करंट जो पैदा हो रहा है उसको उस वक्त जो हो रहा है पोटेंशियल उस पोटेंशियल को हम बोलते हैं हाफ वेव पोटेंशियल ये वो पोटेंशियल है जो जैसे टच करेगा वहाँ तक हाफ ऑफ द मेटल एन आर रिड्यूस्ड टिल दैट पोटेंशियल तो ये उतना करंट जनरेट हो रहा है पैरेलल और इस पोटेंशियल तक जैसे हम टच करते हैं तब तक हमारा हाफ ऑफ द मेटालाइन गेट रिड्यूस्ड तो एक शॉर्ट ब्रीफ की क्री था पलरोग्राफी के बारे में आई होप आपको ये समझ आया होगा विद सम मोर पॉइंट्स विल हैव अनदर वीडियो इन दिस रिगार्ड थैंक यू स्टूडेंट्स